बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। शाम 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे उदयपुर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, और डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा, लिहाजा इसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर का दौरा रहने वाला है। शाम 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा, डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। शाम 6 बजे प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, पूरा मिनट टू मिनट जरा कार्यक्रम बताइएगा, क्या तैयारियां हैं उनके उदयपुर दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज जो सीएम का उदयपुर दौरा है, ये पहली बात तो ये कि ये पॉलिटिकल दौरा नहीं है, ये उदयपुर में जो राष्ट्रीय तीर्थ है प्रताप गौरव केंद्र, वहां पर प्रताप जयंती को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके तहत सीएम जो है वो आज उदयपुर पहुंच रहे हैं। और जो उदयपुर शाम को 5 बजे ये उदयपुर पहुंचने का इनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, और 6 बजे तक ये प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेंगे, जहां महाराणा प्रताप जयंती का जो उद्घाटन समारोह है उसमें ये शिरकत करने वाले हैं। और उसके बाद रात को 8:45 फिर से डबोक के लिए रवाना होंगे, और रात 9:30 तक फिर से ये जयपुर पहुंच जाएंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये सीएम का आज प्रस्तावित है, और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि महाराणा प्रताप जयंती पर जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो उदयपुर आ रहे हैं, और उदयपुर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें से जो उद्घाटन समारोह में जो है वो सीएम शिरकत करेंगे। जी, क्योंकि आपने बताया कि ये पॉलिटिकल दौरा नहीं है, राजनीतिक दौरा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर तैयारियां किस प्रकार की होंगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से चैलेंज उनके ऊपर होता है कि उस दौरे को सफल बनाना है, लिहाजा ये राजनीति से इतर कार्यक्रम है, तो क्या यहाँ पर सख्त जिस तरीके से हम देखते हैं कि कार्रवाई की जाती है, या फिर जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो की जाती हैं, या फिर उससे उतर कुछ अलग से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर इनके प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तो इनके प्रोटोकॉल को तो फॉलो किया ही जाना है। लेकिन उसके अलावा जो प्रताप गौरव केंद्र है जिसे उदयपुर में कुछ समय पहले बनाया गया और राष्ट्रीय तीर्थ उसे नाम दिया गया है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी स्टेचू जो है, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर बाहर से भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं, वहाँ इसका एक म्यूजियम भी बना हुआ है, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे, उसको लेकर जो इसकी सारी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो प्रताप गौरव केंद्र की जो समिति बनी हुई है, प्रताप समिति, उसके द्वारा की गई है। वहां पर भजनलाल शर्मा जी को रिसीव किया जाएगा, और उसके पहले जब वो डबोक एयरपोर्ट आएंगे तो यहाँ पर संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है अभिषेक, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।